नमस्कार, मैं हूं मैत्रेयी और आप देख रहे हैं टीवी 9 बिहार झारखंड। बिहार के सरकारी स्कूलों में छुट्टियों को लेकर एक बार फिर से नया विवाद शुरू हो गया है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने अगले साल 2024 का कैलेंडर जारी कर दिया है। सरकारी विद्यालयों के लिए शिक्षा विभाग ने जो अवकाश तालिका जारी की है, उसमें हिंदुओं के पर्व त्योहार में जहां छुट्टियों में कटौती की गई है, वहीं दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों के त्योहारों में बढ़ोतरी की गई है। छुट्टियों के कैलेंडर में रामनवमी, महाशिवरात्रि, तीज, जितिया, सावन की अंतिम सोमवारी, जन्माष्टमी, अनंत चतुर्दशी, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, कार्तिक पूर्णिमा की छुट्टियां खत्म कर दी गई हैं। इतना ही नहीं, होली, दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा की छुट्टियों में कटौती की गई है, जबकि ईद, बकरीद, मुहर्रम की छुट्टियों को बढ़ाया गया है। होली पर 2023 में अवकाश 3 दिन का था, जिसे घटाकर अब 2 दिन कर दिया गया है। दुर्गा पूजा की छुट्टी में भी कटौती की गई है, जो 6 दिन की होती थी, अब 3 दिन का कर दिया गया है। दीपावली से लेकर छठ तक पहले 8 दिनों की छुट्टियां होती थी, जिसे घटकर अब 4 दिन कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ ईद पर हर साल 2 दिनों की छुट्टी मिलती थी, जिसे बढ़ाकर अब 3 दिन कर दिया गया है। बकरीद की छुट्टी को भी 2 दिनों से बढ़ाकर 3 दिन कर दिया गया है। मुहर्रम पर 1 दिन की छुट्टी की जगह अब 2 दिन की छुट्टी कर दी गई है। अब बिहार में अंबेडकर जयंती और रविदास जयंती के दिन भी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। हालांकि स्कूलों में 2023 की तरह ही 2024 में भी कुल छुट्टियों की संख्या जो है वो 60 ही होगी, क्योंकि गर्मी की छुट्टी 20 दिन से बढ़ाकर अब 30 दिन कर दी गई है। नए अवकाश कैलेंडर में ये आदेश दिया गया है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में अगर शुक्रवार को छुट्टियां होंगी तो इसके लिए जिलाधिकारी की अनुमति लेनी होगी। बिहार के मुस्लिम बहुल इलाकों में बगैर किसी आदेश के ज्यादातर विद्यालयों में जुम्मे के दिन यानी शुक्रवार को अवकाश रहता है, जबकि रविवार को स्कूल खुला रहता है। अब बिहार सरकार के इस फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा विभाग के इस नए घोषित अवकाश को मुस्लिम तुष्टिकरण का परिणाम बताया है। मुस्लिम तुष्टिकरण की हद हो गई। जन्माष्टमी, मकर संक्रांति, जितिया, तीज और दुर्गा पूजा के लिए पूर्व से आ रही छुट्टियों में कटौती और ईद, बकरीद व अन्य मुस्लिम त्योहारों के लिए पूर्व से घोषित अवकाशों में बढ़ोतरी, आखिर सरकार की मंशा क्या है, इसे स्पष्ट करना होगा। मुख्यमंत्री जी, सनातनी की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं कीजिए। राजद की संगति में पड़कर आपका विवेक मर गया है। महागठबंधन की सरकार में के पाठक को एक जरिया बना करके शिक्षा का इस्लामीकरण करने का प्रयोग हो रहा है। हिंदुओं के सारे पर्व त्योहार की छुट्टियों को काट दिया गया है, यहाँ तक कि दुर्गा पूजा के छुट्टियां में भी कटौती की गई है। जितिया तीज जैसे छुट्टियों को समाप्त कर दिया गया है। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। यह प्रयोग हो रहा है इस्लामीकरण का, स्कूलों के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से। इसके लिए इसको अविलंब वापस होनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग कर रहा हूं कि इसको अविलंब वापस करे, नहीं तो ये बिहार को हम लोग इस्लामीकरण नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि इसके पहले भी शिक्षा विभाग ने इसी साल हिंदू पर्व त्योहार की छुट्टियों में कटौती की घोषणा की थी। विपक्ष की आपत्ति के बाद सरकार ने अपना आदेश वापस ले लिया था। अब जो नया कैलेंडर जारी हुआ है, एक बार फिर से उस पर विवाद शुरू हो गया है। बिहार के स्कूलों में छुट्टियों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें टीवी 9 बिहार झारखंड।